पौरी विकासखंड के पौरी क्षेत्र में दो मासूम बच्चों की कुपोषण से मौत और वहीं एक 3 साल की मासूम बच्ची की आंखों की रोशनी चले जाने का मामला सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप है। जानकारी के अनुसार यदि इस ग्रामीण क्षेत्र में नजारा डाला जाए तो जाखनोद अगरा मड़खेड़ा उमराई महिला बाल विकास के जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। स्थिति यह है कि शनिवार की सुबह मामला सामने आने के बाद पौरी पोषण पुनर्वास केंद्र NRC में मीडिया के एंट्री को बंद कर दिया गया। आपको बता दें शिवपुरी में महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी कागजी आंकड़ेबाजी में जिले में कुपोषण का ग्राफ बेहद कम होने के दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि कुपोषण का ग्राफ कम होने की बजाय कुपोषण का ग्राफ बढ़ रहा है। हालत यह है कि 10 बच्चों की क्षमता वाले पौरी पोषण पुनर्वास केंद्र में इस समय 13 अति कुपोषित बच्चे भर्ती हैं। शिवपुरी से नासिर खान की रिपोर्ट। पौरी विकासखंड के पटपरा में कुपोषण से 2 मासूम बच्चियों की मौत और अब कुपोषण के कारण ही भटनावर गांव की 3 साल की मासूम बच्ची की आंखों की रोशनी चले जाने के मामले के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जिम्मेदार अधिकारी इस सब पर चुप्पी साधे हुए हैं। हम खड़े हुए हैं महिला बाल विकास के ऑफिस के बाहर, यहाँ कोई जिम्मेदार अधिकारी इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। सर, लगातार फौरी क्षेत्र में कुपोषण के मामले आए हैं, अभी NRC में आपके यहाँ कितने कुपोषित बच्चे हैं, जिसमें अति कुपोषित कितने हैं और गंभीर कितने हैं? NRC में अभी 12 बच्चे भर्ती हैं जो अभी कुपोषित की श्रेणी में आते हैं, जिसमें अति गंभीर या किसी भी प्रकार से गंभीर बच्चा कोई भी नहीं है।